हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार, स्कॉर्पियो एन की हम बहुत बार तारीफ़ें करते हैं कि गाड़ी के अंदर ये है, गाड़ी के अंदर वो है, लेकिन जो मैं अपनी पर्टिकुलर बात करूँ तो मेरी पर्सनल फेवरेट स्कॉर्पियो में इस बार ऑटोमेटिक वेरियंट है। मुझे बहुत ज़्यादा उसका ट्रांसमिशन पसंद आया था और गाड़ी सीरियसली जो हम बोल रहे थे ना पहले, हमें बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था कि यार ट्रांसमिशन इतना घटिया है, ऑटोमेटिक में तो स्कॉर्पियो को कभी लेना मत, मैनुअली इसका सोल है। लेकिन इस बार महिंद्रा ने इस चीज़ के ऊपर बहुत अच्छे से काम किया है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इज सुपर्ब। लेकिन जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो गाड़ी हम लोगों ने ट्राई नहीं की थी, हमने उसको चला के भी नहीं देखा था, तो आज हम आपको मैनुअल ट्रांसमिशन भी बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्कॉर्पियो लवर वो हैं जिन्हें गाड़ी का फुल ऑन वही फील चाहिए जो गाड़ी के अंदर पहले होता था, वही हमारा मैनुअल टच आना चाहिए, वही स्कॉर्पियो सोल होना चाहिए। तो आज इस कार को ड्राइव करके देखते हैं कि मैनुअल ट्रांसमिशन में गाड़ी हमें वो फील देता है या नहीं। आइए मेरे साथ। कार के अंदर अगर ड्राइव वाइज हम बात करें ना, मैनुअल पहले वाली स्कॉर्पियो और अब वाली स्कॉर्पियो, वहां पर भी क्लियर कट इंजन रिफाइनमेंट आपको फील होती है। गाड़ी के अंदर बहुत स्मूथ गियर शिफ्टिंग है। पहले इसका गियर लीवर भी बहुत बड़ा सा आता था और पूरा मूव करते थे कार के साथ आगे पीछे। देखी थी पुरानी वाली स्कॉर्पियो? पूरा उसमें लगे रहते थे, आगे आगे पूरा हाथ जाता था, पूरा मूव करता था। अब बहुत कंफर्टेबल कर दिया इस चीज को। कंफर्टेबल और कार लाइक ड्राइविंग है, कुछ इतना लगता नहीं। हाँ, आप वही है, एसयूवी है, आप ऊपर बैठे हो एसयूवी और ऐसी ना फील आ रही है, पूरा कंट्रोल में पूरा बोनट हमें दिख रहा है, दिखाई देता है, एग्जैक्टली आपको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तुम्हें वो नहीं लगता इसमें पार्किंग वगैरह में इशू आता है कुछ? नहीं, आगे पीछे कैमरा है, कोई इशू नहीं आया मुझे। कर लेती हो? इजीली मैंने पार्क की है, जहाँ भी मैं दो चार बारी लेकर गई हूँ। ओके, मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इजीबिलिटी है लेडीज के लिए भी स्कॉर्पियो चलाना। बहुत सारी चीजों का इन्होंने ध्यान रखा है, पहले इतना इजी नहीं होता था। बॉडी रोल की बात करें, कितना तुम्हें लगा इसके अंदर के कंट्रोल्ड है? पहले वाली स्कॉर्पियो से कंपेयर करें तो बहुत कंट्रोल्ड है और ज्यादा बॉडी रोल अभी जैसे आप चला रहे हो आपको खुद फील होगा जब आप टर्न लेंगे तो इतना ज्यादा नहीं है। नेचुरली एसयूवी है तो बॉडी रोल तो होगा, कोई भी एसयूवी है बॉडी रोल होगा ही होगा उसमें, राइट। लेकिन इसमें स्कॉर्पियो एन में नहीं, जो स्कॉर्पियो है ये इसमें कंपैरेटिवली कम है और एसयूवी से। अब मैंने कार को सेकंड गियर में उठाया है, उसमें भी उठ गई। उठ गई, ये थर्ड पे भी उठ जाती है। अच्छा, थर्ड पे भी कार उठ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। स्लो स्पीड में है और आपने सेकंड गियर लगाया हुआ है गाड़ी का, तो आप सब छोड़ दो क्लच वगैरह, ये गाड़ी ऑटोमेटिक हो जाएगी सेकंड गियर में। स्टीयरिंग संभालना है, थोड़ी और स्लो स्पीड, मतलब 20-25-30 में आप। अच्छा, हमारी कार ऑटोमेटिक बन जाती है, आप ये कह रहे हैं? सेकंड गियर में लगा के एक्सीलरेटर भी छोड़ दो। ओके, अपने आप वो चलती रहेगी, एक्सीलरेट करने की भी जरूरत नहीं है। राइट राइट, ओके। तीसरे पे उठाने की कोशिश कर रही हूँ ना, सही कह रही है यार लिप्सा, सीरियसली यार यू आर राइट। थर्ड पे भी उठ गई। और मैं थोड़ा सा तुम्हारी गाड़ी में टेस्ट कर रही हूँ, ठीक है? डरना मत, नहीं गा रहे, गुस्सा भी मत करना। एक्चुअली मैं चेक कर रही थी थोड़ा सा कैबिन नॉइस को, कैबिन नॉइस नहीं है कार में, काफी साइलेंट कैबिन हमें फील होता है यहाँ पर। सस्पेंशन कैसा लगा आपको? अभी आप गए हो उबड़ खाबड़ रस्तों में? नहीं, अभी तो कहीं नहीं गए, अभी बस गुड़गांव आए हैं, बीच में थोड़ा सा स्ट्रेच आया था। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको ज्यादा जो गड्ढे वड्ढे फील नहीं होते हैं इसमें, बहुत ही स्मूथली निकल जाती है गाड़ी। ओके, आपको ये गाड़ी 5-6 महीने चलाइए, फिर आपसे दोबारा आपको बुलाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम कार के इंजन की। यहाँ पर 2.2 लीटर एम हॉक डीजल इंजन का यूज़ किया गया है जो आपको पावर दे रहा है 172। स्पेक वाइज ना मुझे थोड़ी सी ये कम लग रही थी कि यार बस 172 ही हमें पावर मिल रही है, लेकिन नहीं यार, आप कहीं पर भी ये चीज़ को फील नहीं करोगे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा ये 2.2 लीटर का इंजन आपको। टॉर्क की अगर आप बात करेंगे, इट इज़ 370 न्यूटन मीटर। एंड यस, नो डाउट, मुझे तो पिकअप वगैरह वाइज ड्राइव आप इस कार में कहीं पे भी कमी नहीं निकालने वाले, बहुत अमेजिंग है। बॉडी रोल भी बहुत ज़्यादा कम कर दिया यार, मैं सोच रही थी कि और थोड़ा हो और थोड़ा हो, वही इस कार की जान थी पता। हम वो झूलते झूलते जाते थे ना, वो बहुत कंट्रोल किया है। अच्छा, महिंद्रा में आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा? मीन्स जैसे उन्होंने आपको ट्रीट किया
किस तरीके से किया. बहुत लोग वीडियोस बनाते हैं कि भाई हमें बहुत गंदे से ट्रीट कर दिया, ये कर दिया, वो चीजें ठीक है. आपका कैसा एक्सपीरियंस था? देखो, ये चीज सुनी थी और वीडियोस पे देखी थी कि महिंद्रा वाले अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देते अपने कस्टमर्स को, लेकिन हमें एज सच ऐसा कुछ फील नहीं हुआ. बल्कि डिलीवरी से पहले भी और डिलीवरी के बाद भी उनके कंटिन्यूस कॉल्स आ रहे थे, अच्छा फॉलोअप ले रहे थे. डिलीवरी के बाद भी कॉल्स आ रहे थे कि आपको कोई फीचर्स आपको नहीं पता तो हम आपको अपडेट कर देते हैं, हम अपना बंदा भेज देते हैं तो वो आपको सब कुछ बता देगा और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गाड़ी में. बहुत अच्छा उन्होंने फॉलोअप किया. इनफैक्ट कल भी कॉल आया है. तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला, रवि ने, कहते नहीं कुछ भी नहीं है, आप पहले भी आपके 2-3 बार ही फोन आ चुके हैं. अच्छा, जो इनकी डीलरशिप है प्राइम महिंद्रा, वहां से तो कॉल आ ही रहे हैं और इनके कस्टमर केयर सेंटर से भी कॉल्स आ रहे हैं. मतलब आपको बिल्कुल फुल ऑन सेटिस्फाइड कस्टमर हो महिंद्रा की साइड से कि ऐसा नहीं है अभी तक तो है. बाकी प्राइम महिंद्रा फरीदाबाद, राइट. ओके, मेन बात होती है गाड़ी जब हमने खरीद ली उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं होता. बहुत सारी डीलरशिप ऐसा करती है. हाँ. बट यहाँ पर ये चीज मुझे अच्छी लगी कि चलिए बहुत बढ़िया. नहीं, बहुत अच्छे से बात करते हैं. मतलब कोई आपको ज्यादा वेट नहीं करवाया, परेशानी नहीं क्रिएट की. नहीं, जो प्रॉमिस टाइम था आपका डिलीवरी का उस पर गाड़ी मिल गई आपको. हाँ, बस वही थोड़ा सा डिले हुआ. 26 को मिलनी चाहिए थी हमें डिलीवरी, लेकिन उस दिन 60 डिलीवरीज थी. ओके, तो उस वजह से थोड़ा सा. और दूसरा उस दिन बैंक बंद था तो नेक्स्ट डे हमें. तो बैंक वाला पार्ट तो आपका हो गया ना? हाँ, वो हमारा हो गया. और लेकिन इन्होंने अपडेट नहीं किया हमें ना. अच्छा, ओके, बताया नहीं कि आप पहले ही कर दो पेमेंट या कुछ. थोड़ा बस यही था. बाकी बहुत छोटी बात है ये तो. बाकी मुझे सर्विसेज में कोई इनका ऐसा नहीं लगा. पहले जैसे और लोग बोलते हैं कि आप महिंद्रा के शोरूम पे जाते हो तो अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती अपने कस्टमर्स को, ऐसा मुझे कुछ फील नहीं हुआ. मैक्सिमम कितनी स्पीड पे चलाई है आपने गाड़ी? मैंने तो लोकली ड्राइव की है. अभी फर्स्ट हम आउट ऑफ सिटी फरीदाबाद से गुड़गांव लेकर आए हैं, तो वही 100 के आसपास चलाई है. 100 से ऊपर नहीं गई? नहीं, अभी नहीं. आप नहीं गए? गाड़ी नहीं गई? नहीं गाड़ी हम तो नहीं गए, गाड़ी भी नहीं गई. अच्छा, ओके. वैसे ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि जब मैनुअल ट्रांसमिशन हमारा होता है ना तो सब चीजें हमारे कंट्रोल में है. हमें कितने आरपीएम पे क्या चीज चाहिए. मैक्सिमम आपको पता है जब हम लोग रेसिंग वगैरह भी करते हैं तब भी हमेशा मैनुअल ट्रांसमिशन पे चले जाते हैं, क्योंकि मैं उस टाइम पूरा अपने हिसाब से कार के अंदर वो पंच चाहिए, वो पुश चाहिए. तो अच्छा डिसीजन है यार तुम्हारा. और बहुत कंफर्टेबल है ये. ऐसा नहीं है कि बड़ी जान वान लग रही है, या बहुत ईजी स्मूथ गियर शिफ्टिंग है. बहुत अच्छा मुझे लगा. हाँ, क्लच भी बहुत लाइट है. मतलब कहीं पर भी परेशानी वाली चीज़ नहीं है. बहुत इजी वर्किंग दी गई है. जो हम बोल रहे हैं कि आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कंसिडर करना चाहिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप मैनुअल की तरफ भी जाएंगे तो यहाँ पर भी कार बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी. बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है आपका. स्टीयरिंग भी इसका बहुत लाइटर है. बहुत अच्छी सी फील दे रही है यार गाड़ी. मज़ा आ रहा है इसको चलाने में, सीरियसली. चाहे आप स्टीयरिंग की बात कीजिए, आप ब्रेक्स की बात कीजिए, क्लच, हर चीज़ बहुत स्मूद है. गियर आप बहुत आराम से लगा पाएंगे. लीवर इसका बहुत सॉफ्ट है. सामने की साइड में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो बहुत क्लासी है, बहुत प्रीमियम आपको फील देता है. कार में अगर आप माइलेज की बात करेंगे तो अभी ज़्यादा गाड़ी चली नहीं है. ये यहाँ पर ये शो कर रहा है 8.2. तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले 8.2 थी, अब 8.3 हो गई. मैंने बढ़ा दिया थोड़ी सी, बट ये इसकी एक्चुअल एवरेज अभी नहीं है. इसको थोड़ा सा तुम लोग चलाओगे तो पता चल जाएगा. इसमें माइलेज इसकी ठीक ठाक निकलेगी, 12-13 आपको मिल जाएगा और हाईवे पे बढ़ जाएगी ये चीज़. इसको आप टेस्ट करना रवि, बताना, हमसे शेयर करना. इसको पूरा फुल करा के ना, और फिर कुछ किलोमीटर्स चला के फिर से फुल करा के फिर आप कैलकुलेट करके बताना. माइलेज तो आई थिंक अच्छी होनी चाहिए इसकी. कैमरा क्लैरिटी की आप बात करेंगे तो कैमरा आपका बहुत क्लियर है. ये हमारा फ्रंट कैमरा ऑन हो गया है इसके अंदर ना. फ्रंट का भी क्लैरिटी तो अच्छी खासी है. तुम सही कह रही हो कि इजीली मैं पार्क कर लेती हूँ. कार में किसी भी तरीके से मुझे अभी तक कोई कमी नहीं लगी है. कई बार होता है ना कि गाड़ी हमने ली और धीरे धीरे पता चल रहा है यार ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा. अभी तक हमने मैक्सिमम चीज़ें इसकी देख ली हैं. अच्छा, वो कितने दिन में आपको बोला है इन्होंने एप्पल कार प्ले के लिए? एंड्रॉयड ऑटो तो है इसके अंदर. एप्पल कार प्ले कितना? 1 महीना? कब तक बोला? 3 मंथ्स बोला था. 3 मंथ्स बोला है? ओके. बाकी तो यार गाड़ी ज़बरदस्त है. सस्पेंशन वाइज अगर हम बात करें, स्टीयरिंग की बात करें, विजिबिलिटी की बात करें, फिट एंड फिनिश, ओवरऑल ड्राइव एक्सपीरियंस की बात करें, एवरीथिंग इज़ फैब. तो चलिए दोस्त, ये था हमारा स्कॉर्पियो एन का रिव्यू.
जिसमें लिप्सा ने हमारी बहुत हेल्प की है, बहुत सारी चीज़ें बताई है कि अगर आप कन्फ्यूज है XUV700 को लेके, आप कन्फ्यूज है फॉर्च्यूनर को लेके, तो काफ़ी सारी मुझे लगता है उन्होंने ऐसी चीज़ें बताई हैं जो हम कंसिडर कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। चाहे आपके पास कितना भी पैसा है, दिमाग लगा के चीज़ अगर आप लेंगे तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। ये प्रोडक्ट अगर हम किसी भी कार से कंपेयर करें तो वहाँ पर वैल्यू फॉर मनी आपको लगेगा। फॉर्च्यूनर लवर कहीं ना कहीं हमसे इस चीज़ पर नहीं अग्री करते हैं कि यार वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। डेफिनेटली यार दोनों बहुत अलग चीज़ है, आप एकदम डबल प्राइस की चीज़ को उससे कम प्राइस की चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर महिंद्रा के एफर्ट को हम डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे कि इतना अच्छा एफर्ट किया गया है, इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं गाड़ी के अंदर कि आपको कमियाँ सीरियसली ढूंढनी पड़ेंगी और आपको नहीं मिलने वाली हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप कोई SUV कंसिडर कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं इस टाइम पर, 4x4 आपको चाहिए, सारे आपको वो चीज़ें चाहिए जो फॉर्च्यूनर के अंदर है, तो आप इस कार को भी एक ट्राई ज़रूर दीजिएगा। कहीं ना कहीं आपको ये गाड़ी अपनी तरफ इंक्लाइन ज़रूर करेगी। तो चलिए अब मैं और लिप्सा थोड़ा सा घूमते हैं फिरते हैं, आप लोगों से फिर मिलेंगे दोबारा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए। लव यू ऑल, बाय।